Hey, hello and welcome future doctors. So guys, I hope आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया जा रही होगी यार, मस्त तरीके से आप enjoy करके अपनी नीट की तैयारी कर रहे होंगे यार, और सारे fundamental concept को आप अच्छे से revise करके अपने question solve कर रहे होंगे, जिससे आपका confidence एकदम high हो जाए, है ना, और जिससे हम अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से सॉल्व करके आएंगे, अच्छा स्कोर करना है यार दोस्तों, ठीक है। तो यार आज एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, इजी कैटेगरी का है, वो इजी कैटेगरी में काउंट होगा, बट उसका जो एक्चुअल प्रोसेस है उससे बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब इजी कैटेगरी में भी लेंदी प्रोसेस है, तो हमने उसको प्रोसेस रिड्यूस करना है और अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करके आना है, यही हमारा मोटो है, अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वी फंडा। ओके गाइस, क्वेश्चन में बोला गया है मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, वेरी फैमिलियर प्रॉब्लम, then the kinetic energy increases by, cool. तो दोस्तों concept is that V funda is what? V funda क्या बोलता है कि आपने question को read करना है और बस ये देखना है given क्या है, उसमें given है percentage of linear momentum. What is that? Percentage of linear momentum is 20% increases. उसने बोला है increase कर रहा है, ठीक है, तो kinetic energy की percentage बताओ यार। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, वहां तो आप जैसे समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाक से। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज, तो आपने कुछ नहीं करना, नो फॉर्मूला, नथिंग, आप क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दे रखी है उसको लिख लो 20%। फिर क्या करेंगे सर, फिर करना है जो भी परसेंटेज दे रखी है परसेंटेज को ओपन करो, यानी 20% का मतलब 1/100, फिर इसको सॉल्व करो, 20 से 100 दैट इज 1/5। अब देखो तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले परसेंटेज जो गिवन होगी वो राइट डाउन करनी है, इसको कैंसिल करना है, मतलब परसेंटेज को हटा के 100, तो जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करना है, ये प्रोसेस हो गया, क्या करना है, 1 ऐड करना है, ये प्रोसेस है, ये रिपीट करना है आपने, ठीक है। अब 1 ऐड करने के बाद जो भी आएगा, लेट्स सी 6/5 आ रहा है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये इसका वी फंडे का प्रोसेस है, ये स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, और इस स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा दैट इज 36/25, है ना, लास्ट में जो भी आपके पास आ रहा है ये आ रहा है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जिस पे मैं राउंड राउंड कर रहा हूं वो मेन थिंग्स हैं यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब जो सब्ट्रैक्ट करने के लास्ट में बचेगा दैट इज योर फाइनल आंसर, एंड दैट इज 36 - 25/36, नाउ यू कैन सी व्हाट इज दिस, 11/36। अब परसेंटेज बना रही है चूंकि, तो इसको सॉल्व करने के बाद यानी 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आया इसमें 100% से मल्टीप्लाई करना है, नाउ यू जस्ट व्हाट इज दैट, नो दिस इज 25, ओके दिस इज 25, तो 25 से देखो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 एंड यू विल गेट 44%, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख के बिना पेन चलाए, ये भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपने प्रोसेस फिर देखो, ये तभी वैलिड होगा, ये जो मैं प्रोसेस मैंने आपको बताया, जब मोमेंटम की परसेंटेज गिवन होगी, काइनेटिक एनर्जी की पूछेगा, तो जो भी परसेंटेज है एज इट इज लिख लो, ओपन करो, जो भी आएगा उसमें 1 ऐड करो, फिर जो भी आएगा उसका स्क्वायर करो, बस 3 स्टेप है, फिर जो भी आएगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, फाइनली 1 सब्ट्रैक्ट करने के जो भी आएगा 100 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट स्टेप, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। कोई मतलब नहीं है दोस्तों यहाँ पे, आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पता है या नहीं पता, एक्चुअल फॉर्मूला पता है नहीं पता, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन मैं और लूंगा आपको सिखाने के लिए, जिससे बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। ओके, Now here is the next problem and just read the problem और देखो तुरंत माइंड में, मैंने जो आपको V funda बताया, जो amazing short trick बताई है, जल्दी से use करो, जल्दी से correct करके मेरे को answer दो, कैसे, ऐसे, देखा बॉस, इतनी जल्दी आपने उस question को उठा के फटाक से पटक देना है, जिससे वो like हमारा डर हमारा खत्म हो जाए। ओके, पटक देना, फटाक से पटक देना है। Let's see, now उसने बोला है, इस बार उसने बोला है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यार उसने क्लियर बोला है, परसेंटेज ऑफ पी दे रखी है, परसेंटेज ऑफ पी दे रखी है 100%, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की, तो निकाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज क्या होगी, पहले ये एज इट इज लिखो, मैंने बोला एज इट इज 100%, परसेंट का मतलब 100 होता है, तो ये हो गया कैंसिल, तो इसके बाद जो भी आएगा, मैंने क्या बोला था, इसके बाद जो भी आएगा परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद 1 ऐड करना है, कर लिया,
इसके बाद जो भी आएगा लेट्स सी 2 आया, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, कर दिया स्क्वायर किया, जो भी आएगा 4 आया माइनस 1 करना है, ठीक है, अब जो भी आएगा 3 उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड दैट इज योर आंसर 300%. दिस इज वेरी क्विकली मैन, नो लॉन्गर सॉल्यूशन, नो लेंथी सॉल्यूशन, ओके.